हेलो फ्रेंड्स, डार्क सर्कल होना आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, तो हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लाए हैं जो शायद आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं और ये बहुत ही आसानी से घर पर बनाई जा सकती हैं। टिप नंबर वन, इसके लिए हमें चाहिए खीरा। खीरे की दो स्लाइस को कट करें और अपनी आंखों पर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। खीरा आंखों को ठंडक पहुंचाता है और ये डार्क सर्कल को भी कम करता है। टिप नंबर टू, इसके लिए हमें चाहिए खीरे का रस और नींबू का रस। एक बॉल में खीरे का रस 1 चम्मच लें और 1 चम्मच नींबू का रस। इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे कॉटन बॉल की हेल्प से अपने डार्क सर्कल पे 15 से 20 मिनट लगाएं और फिर इसे ठंडे पानी से धो लें। इससे भी आपको फायदा होगा। टिप नंबर थ्री, इसके लिए हमें चाहिए आलू। आलू की दो स्लाइस को कट करें और अपनी आंखों पर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। आलू का रस निकालकर भी आप इसे कॉटन बॉल की हेल्प से अपनी आंखों के आसपास यूज करें और इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करें, इससे फायदा होगा। टिप नंबर फोर, इसके लिए हमें चाहिए टमाटर का रस और नींबू का रस। टमाटर हमारे फेस पर ग्लो लाता है और स्किन के दाग धब्बों को भी दूर करता है। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच टमाटर का रस और 1 चम्मच नींबू का रस। इसे अच्छे से मिक्स करें और अपनी आंखों के आसपास डार्क सर्कल पर अच्छे से सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज करें और 15 से 20 मिनट तक इसे छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। इससे आपको फायदा होगा। टिप नंबर फाइव, इसके लिए हमें चाहिए दही, रोज वाटर और नींबू का रस। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच रोज वाटर लें, 2 चम्मच दही, 4 to 5 drops लेमन के। इसे अच्छे से मिक्स करें और अपनी आंखों के आसपास डार्क सर्कल पर इसे लगाएं और 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। टिप नंबर सिक्स, इसके लिए हमें चाहिए 3 से 4 भीगे हुए बादाम का पेस्ट और रोम मिल्क। बादाम के पेस्ट में 1 चम्मच रोम मिल्क को मिक्स करें। इसे अच्छे से मिक्स करें और डार्क सर्कल पर इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करें और 15 से 20 मिनट के लिए रखें और फिर ठंडे पानी से धो लें।